नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्ड इन इंडिया की इस प्राइस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की सभी बड़ी खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज की पहली खबर है, बड़ी खबर, देश भर में एक ही दर पर मिलेगी बिजली, धर्मेंद्र प्रधान ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर में इलेक्ट्रिक वितरण को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार एक ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिसके तहत सभी राज्यों में बिजली की दरें एक समान होगी। प्रधान ने कहा कि इलेक्ट्रिक एक्ट 2003 में संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि देश भर में बिजली के लिए एक ही टैरिफ लागू किया जाए। अगर केंद्र सरकार ऐसी कोई व्यवस्था लाती है तो सभी राज्यों में बिजली की दरें एक समान आएगी। चलिए तो अगली खबर है, सरकार के इस कदम से होगी 5,000 करोड़ की बचत, 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर सरकार की यह कोशिश सफल रही तो पेट्रोल 10 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है, यानी कि आपको पेट्रोल के खर्च पर 10% तक बचत हो सकती है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने में 5,000 करोड़ रुपए तक की बचत हो जाएगी। दरअसल सरकार देश भर में मिथेनॉल ब्लेडेड फ्यूल लाने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खत भी लिखा है। उन्होंने खत में प्रधान से अनुरोध किया है कि वह देश भर में मिथेनॉल ब्लेडेड फ्यूल उपलब्ध करवाए और सरकार के इस कदम से प्रदूषण में 30% तक की कमी आ सकती है। मिथेनॉल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर है। इंडियन ऑयल पहले से ही मिथेनॉल ब्लेडेड फ्यूल बना रही है और इसमें 15% मिथेनॉल जबकि 85% पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। चलिए तो अगली खबर है, ट्रेनों में इतने रुपए तक महंगा होगा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, IRCTC को रेल मंत्रालय ने दी दाम बढ़ाने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे में सफर करना अब और भी महंगा होने वाला है, क्योंकि स्टेशन पर चाय नाश्ता और खाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। IRCTC की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड के बाद अब रेल मंत्रालय ने भी राजधानी शताब्दी और दुरंतों में चाय नाश्ता भोजन महंगा करने की मंजूरी दे दी है, जिसका नया लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए तो अगली खबर है, नए साल से महंगी हो जाएगी ये चीजें, 1 जनवरी 2020 से होंगे ये बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नया साल 2020 शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक के कुछ आइटम खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नए साल पर कुछ चीजें महंगी होने वाली, क्योंकि नए साल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर FMCG प्रोडक्ट और गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है। कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अनुसार वैश्विक स्तर पर टीवी की कीमतों में 15 से 17% की बढ़ोतरी हो सकती है और इसी के साथ में नमकीन से लेकर नूडल्स तक महंगे हो सकते हैं। पहले ही कई चीजों के दामों में इजाफा देखने को मिला है, जैसे कि खाद्य तेल, लहसुन, दलहन, तिलहन, प्याज आदि शामिल है। और इसी के साथ में FMCG कंपनियां जैसे कि नेस्ले, ITC, पार्ले ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने के बजाय उत्पादकों के पैकेट का आकार छोटा करने का फैसला कर लिया है। और इसी के साथ में कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वही दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वह अपने पुराने डेबिट कार्ड जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड है उनको नहीं चलाएगा। तो अगर आप भी SBI के ग्राहक है और आपके पास भी पुराना मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पड़ा है तो उसको अपने होम ब्रांच पर जाकर कन्वर्ट करवा सकते हैं EMV चिप वाले कार्ड में, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से पुराने कार्ड नहीं चलेंगे। चलिए तो अगली खबर है, हर वाहन खरीद पर मिलेगी 30,000 रुपए तक की छूट के साथ लोन की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, CM अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। पॉलिसी के तहत EV फंड और EV बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि देश की राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ में सब्सिडी देने का काम करेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीदने पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद पर लोन पर भी सब्सिडी दी जाएगी। चलिए अगली खबर है, मोदी सरकार ने अटल भूजल योजना को दी मंजूरी, इन 7 राज्यों के लोगों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अटल भूजल योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पानी की समस्या से निपटने के लिए अटल भूजल योजना पर 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक और 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से पहले चरण में 7 राज्यों में योजना को शुरू किया जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य शामिल होंगे। सरकार की ओर से इन राज्यों के 8,350 गांवों में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा और साथ ही में पानी के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। चलिए तो अगली खबर है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर मोदी कैबिनेट की मुहर, अपडेट होगा NPR। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक यह मंजूरी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR को अपडेट करने के लिए दी गई है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR के तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देश भर में घर घर जाकर गणना की जाएगी और इसका मुख्य लक्ष्य देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी देश के अंदर 6 महीने से रह रहा है तो उसे भी NPR दर्ज करवाना होगा। NPR के जरिए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा तैयार करके सरकार सरकारी योजनाओं की पहुँच
असली लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करेगी। चलिए तो अगली खबर है, एनपीआर के लिए किसी दस्तावेज बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं, प्रकाश जावड़ेकर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से देश भर में जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर कराने की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ में सरकार की ओर से एक बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनपीआर की प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, यानी कि देश के नागरिक के द्वारा दी गई जानकारी को सरकार दर्ज कर लेगी। चलिए तो बात करेंगे सोने चांदी के भाव की। सबसे पहले बात करेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,745 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 29,960 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 37,450 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,74,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,865 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 30,920 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 38,650 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,86,500 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। चलिए तो बात करेंगे भारत के बड़े शहरों में गोल्ड प्राइस की, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि पीएम मोदी फिल्म के अभिनेता कौन है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और वे जीतेंगे मोबाइल टीवी लैपटॉप कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश। चलिए तो बात करेंगे भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। वही बात करें चांदी की ताजा भाव की, तो 625 रुपए की उछाल आने के बाद चांदी का ताजा भाव 47,025 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए तो आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।